नमस्ते, माय नेम इज प्रतीक श्रीरंग बर्गे एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ 11th स्टैंडर्ड एंड आई एम इन स्वामी विवेकानंद कॉलेज चेंबूर. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दिस इज माय फर्स्ट टाइम टू अटेंड दिस टाइप ऑफ इवेंट एंड आई एम ग्लैड टू से मुझे सर जी का जो स्पीच था वो बहुत अच्छा लगा और मेरे मन में इस्लाम धर्म के बारे में जो गलत फहमियाँ थी वो एक चुटकी में ख़त्म हो गई. और मेरा पहला सवाल सर जी से ये है कि भगवान और अल्लाह एक ही है. और मेरा दूसरा सवाल ये है कि अगर पहले एक सवाल का जवाब ये कर लीजिए फिर इंशाल्लाह दूसरा सवाल करें. भाई साहब ने कहा कि वो पहली बार ऐसे मजमे में मौजूद है और बहुत खुश है. एक चुटकी में उसके सारे गलत फहमियाँ इस्लाम की दूर हो गया. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे. और उसका सवाल है कि क्या भगवान और अल्लाह एक ही है? इस सवाल के दो रुख हो सकते हैं. दो रुख आप कॉमर किधर लगाते वो इंपॉर्टेंट है. अल्लाह और भगवान एक है? हाँ एक है. एक ही है? दो तो नहीं. अगर कहेंगे कि अल्लाह और भगवान यकता है तो सवाल दूसरा रुख ले लेता है. इसका जवाब अगर आप पूछना चाहते हैं कि अल्लाह और भगवान एक है तो बेशक एक है. अगर आप पूछना चाहते हैं जो अल्लाह और भगवान जो हिंदू लोग जो भगवान में मानते हैं और मुसलमान जो अल्लाह में मानते वो एक है, तो मेरा जवाब इसमें यह कि अगर आप सही तरीके से हिंदू धर्म की किताबों का मुताला करेंगे और सही तरीके से इस्लाम धर्म की किताब का मुताला करेंगे तो दोनों यकता है, वही है. लेकिन अगर जो मजहब के धर्म अधिकारी है उनकी बात सुनेंगे जो किताबों के हवाले से दूर है, किताब के पैगाम से दूर है, तो हो सकता है आपको गलत राय मिलेंगी. जैसे मैंने फरमाया था मेरी तकरीर में कि कुरान में लिखा है सूरह इखलास में सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 में कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है. उसी तरीके से आप जब हिंदू मजहब की किताब का मुताला करते हैं, आप पढ़ते हैं, उसमें लिखा है छंदोग्य उपनिषद में अध्याय नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोका नंबर 1 में लिखा है एकम एविदित्यम, भगवान एक है, ईश्वर एक है, दूसरा नहीं है. लिखा है स्वतः स्वतः उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, उस भगवान के कोई वालदेन नहीं है, कोई रब नहीं है. भगवान का कोई मां नहीं है, कोई वालिद नहीं, कोई सुपीरियर नहीं है. लिखा है स्वेता सेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में नात्यस्य प्रतिमास्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं. प्रतिमा का मतलब है अक्स, पेंटिंग, पिक्चर, पोर्ट्रेट, स्टैच्यू, आइडल. उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्टैचू नहीं. यह दोहराया गया है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में नात्यस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर का कोई अक्स नहीं, कोई प्रतिमा नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं. तो जब आप मुताला करेंगे हिंदू मजहबी किताब का और कुरान का, हिंदू मजहबी किताब का ब्रह्म सूत्र में कहा गया है इक्कम ब्राह्म देवत्या नास्ते नीना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है. देयर इज ओनली वन गॉड, नॉट अ सेकेंड वन, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट इन द लिस्ट. तो खालिक, मालिक, ईश्वर, भगवान, अल्लाह का कोई अक्स नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं. हमें सिर्फ उस अकेले ईश्वर अल्लाह की इबादत करना चाहिए. होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन.